हाय फ्रेंड्स, यूनिक पंजाबी फूड रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मक्खन बनाना, मक्खन की रेसिपी। यहाँ पे हमने 10 दिन की मलाई ली थी जो हमने फ्रीजर में स्टोर करके रखी हुई थी। ये 2 किलो दूध जो हम रोज़ बॉयल करते थे उसकी मलाई हमने फ्रीज़र में रखी थी। अब हम उससे आपको मक्खन बनाना बता रहे हैं। मक्खन बनाना बहुत ईजी है फ्रेंड्स। मक्खन बनाने से पहले हमने फ्रीज़र में रखी हुई मलाई 3-4 घंटे के लिए बाहर रख दी थी। हाँ जी फ्रेंड्स, मक्खन बनाने के लिए हम ये सारी मलाई बड़े बर्तन में निकाल रहे हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, हमने सारी मलाई एक बड़े बर्तन में निकाल ली है। हम इसे लकड़ी के से मदाने की सहायता से इसको हम चलाएंगे कम से कम 10 से 15 मिनट। हाँ जी फ्रेंड्स, 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा यहाँ मक्खन बन चुका है। इसमें हम थोड़ा सा 1 गिलास पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद हम 1 से 2 मिनट इसे चलाएंगे अच्छे से। ये देखिए, बिल्कुल गाढ़ा प्योर बिल्कुल वाइट मक्खन बनके तैयार है। हम आपको बर्तन में निकाल के दिखाते हैं। पानी डालने से फ्रेंड्स ये होता है कि अगर हमारी मलाई थोड़ी खट्टी हो चुकी है तो मक्खन में खट्टापन नहीं आएगा। हाँ जी फ्रेंड्स, देखिए मक्खन हमारा बिल्कुल रेडी है। मक्खन बन के यहाँ पे तैयार हो चुका है, बिल्कुल वाइट प्योर घर का मक्खन। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी मक्खन बनाने की? आप घर पे ज़रूर ट्राई करना। हमारे चैनल को लाइक शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। बाय।